दोस्तों कभी भी आपके फोन में अगर कोई दिक्कत आए ना, आप सर्विस सेंटर या दुकान पे जाने से पहले आप एक बार हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मेरे फोन में ये दिक्कत आ रही है, कितना पैसा इसमें लगेगा और कितना हमें देना चाहिए, और फाइंड कैसे करना चाहिए कि एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला कैसा होता है, ये भी देखिए पहचानने के मैंने आपको तरीके बता रखे। मेरी वीडियो देखा करो, आपको सारी चीजें पता चलेंगी, आप कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफी वीडियो मैंने इंटरनेट पे ऐसी देखी है कि बहुत सारे बंदे बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को, जो पुराना मोबाइल फ़ोन हो जाए ना, जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन है पुराने वाला, उसको सीसीटीवी कैमरे की तरह आप यूज़ कर सकते हो। एक एप्लीकेशन आती है, उसे डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप उसे सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज़ कीजिए, चार्जर लगा दीजिए और वो हर टाइम पे ऑन रहेगा और आपका आपको बताता रहेगा उसमें कि आपके घर में क्या चल रहा है या फिर आपके ऑफिस में क्या चल रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको एक मोबाइल रिपेयर वाला बताएगा कि ये चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। असल में ये खतरे से खाली नहीं होता दोस्तों, ये चीज़ भूल के भी मत करना, अगर मेरा सजेशन मानो तो, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ भाई, सारे दिन यही देखता हूँ दुकान पे, ठीक है। बहुत सारे बंदे ना इतने आसानी से बता जाते हैं, मगर बताने के बाद वो तो साइड हो जाते हैं। बहुत सारे बंदे लाइक भी कर रहे होते हैं उसको, भाई मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, भाई क्या तुम पहले बम डिफ्यूज़ किया करते थे भाई? ऐसे ऐसे लोगों को भालू खा क्यों नहीं जाता, ये इन लोगों को ये बताने वाले जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। भाई आपको एक चीज़ बताऊं, फ़ोन फट भी जाएगा अगर आपने ये काम कर लिया तो। भाई मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, ध्यान से सुनना, आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन को मान लीजिए एक ऐप डाउनलोड करके, आपने देखी भी होंगी ऐसी ऐप, मैं नाम लेना नहीं चाहता ऐसी ऐप का, आप सर्च मारिएगा गूगल पे, आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी कैमरे को, कि अपने मोबाइल फ़ोन को कैमरा कैसे बना ले, सीसीटीवी कैमरा। तो आप वो चीज़ आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद भाई साहब आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए दो चीज़ बताऊँगा, एक तो आप अपने फ़ोन का है ना, जो भी आपके पास अभी फ़ोन है उसे उसका कैमरा ऑन कीजिए, आधे घंटे ऑन रखना उसका कैमरा, उसके बाद देखिए भाई साहब आपसे फ़ोन पकड़ा नहीं जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हुई, क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि कैमरे के पीछे जो मॉड्यूलर आईसी लगी होती है ना कैमरे की, भाई वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। शांत कदम, उसके ऊपर उसको ठंडी रखने के लिए हीट रेजिस्टेंस पेस्ट लगाया जाता है भाई साहब, वो भी गर्म हो जाता है आधे घंटे के अंदर, ठीक है। एक तो ये हो गया कि भाई बोर्ड के अंदर आपका, मैं एक मिनट खोल के बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आज तो मैं बताता हूँ, जहाँ जिस जगह कैमरा लगा होता है ना भाई, इसके पास कैमरा मॉड्यूलर आईसी होती है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट्स इसके कैमरे के इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं भाई कि आपसे फ़ोन है ना, एक तो आदमी नहीं पकड़ा जाएगा। दूसरी बात और बता देता हूँ, एक तो देखिए मान लीजिए आपका बोर्ड गर्म होने लगेगा बहुत ज़्यादा, जब आप कैमरा आधा घंटा, और कुछ बंदे बता रहे हैं कि पूरा पूरा दिन लगा रहें दो सीसीटीवी कैमरा बना लो फ़ोन को, भाई सीसीटीवी कैमरा 1000 रुपये का आता, खरीद लो, 1000 रुपये में कोई आफत आ जाएगी, फ़ोन बिक जाएगा आपका 1000-1500 रुपये में, सेकेंड हैंड फ़ोन अगर आपके पास है तो, और उसको बेच के कैमरा ही ना ले लो, ऐसी अकल वाली बातें थोड़ी बताएंगे ये लोग। मगर एक नई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं और उस पर बंदे लाइक कर रहे होते हैं, भाई ऐसा गलती से ही मत करना। देखिए आप आउटडोर में लगाएंगे तो एक तो खतरा ये रहेगा कि भाई फ़ोन को कोई उठा के भी ले जाएगा, है ना, फ़ोन को कोई निकाल के ले जाएगा। अगर आप इंडोर घर के अंदर लगाते हैं तो घर में भाई बच्चे होते हैं, आप तो चले जाओगे काम पर, अपना काम धंधा करने बाहर, मगर घर में बच्चे अकेले रहेंगे, अब बच्चे उस फ़ोन के पास हैं, भाई फ़ोन फट भी सकता है। देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये बंदे बता रहे हैं ना ये काम करने के लिए, एक तो बोर्ड गर्म होना मैंने आपको बता दिया, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक तो बोर्ड गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ क्या करोगे, चार्जर लगा दोगे। देखिए एक तो आपने बता दिया कि चार्जर लगा दो, उसके बाद कैमरा ऑन रख दो, भाई बड़ी अच्छी बात बता दी आपने, भाई एक तरफ तो चार्जिंग हो रही है, दूसरी तरफ से चार्जिंग ड्रेन हो रही है, उसमें कैमरा आपकी चार्जिंग को ले रहा है, और जो हमारी बैटरी होती है ना ये हीट जनरेट करती है भाई जब चार्ज होती है, तो ये बैटरी भी गर्म होगी और बोर्ड भी गर्म हो रहा होगा, भाई इतनी तेज़ फटेगा कि घर में कोई ना कोई हादसा हो जाएगा भाई बच्चों के साथ, ऐसा मत करना। और इस वीडियो को है ना आप जितना हो सके ना शेयर कर देना, आप डाउनलोड करके भी कर सकते हो इस वीडियो को, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी वीडियो फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई डाउनलोड करके कर देना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आप उसे ऐसे भी शेयर कर देना। मगर भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की जान बचे ऐसे लोगों से, क्योंकि जो बंदे ऐसी चीज़ें बता देते हैं भाई, जिन बंदों को ये नहीं पता होता ना फ़ोन के अंदर होता क्या है, वो दूसरों की कहीं से बातें सुन सुन के वो आपके सामने परोस देते हैं और आप उस चीज़ को सच मानने लग जाते हो। भाई ऐसा बिल्कुल मत मानना, कुछ नहीं होता ऐसा, आप कर तो लोगे, कैमरा बन जाएगा वो, ठीक है दिखाएगा आपको, मगर भाई खतरा तो बना रहेगा ना, आप तो घर से बाहर चले जाओगे, घर में बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए फिर आप बाकी नहीं वापस आओगे, है ना, तो 1000-1500 रुपये के लिए क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया यार। तो ऐसा काम है ना बिल्कुल मत करना, अपने फ़ोन को कभी भी सीसीटीवी कैमरा बनाने की कोशिश मत करना, 1000-1500 रुपये का सीसीटीवी कैमरा आ जाता है, और आराम से उसको यूज़ कीजिएगा सीसीटीवी कैमरे को, ठीक है। फ़ोन को कभी अपना सीसीटीवी कैमरा मत समझना, देखो सुन लिया करो यार, कोई बंदा अगर वीडियो बना रहा है ना किसी भी तरीके की,
कोई बंदा कह रहा है कि आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, भाई सुन लिया करो, मगर उसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले है ना किसी जानकार बंदे से नॉलेज ले लिया करो। जैसे कि मान लीजिए कोई बाल झड़ने की दवाई बता रहा होता है, उसमें मसाले डाल दो, मिर्च डाल दो, खड़े मसाले डाल दो, और उसके बाद दिन में एक एक दो दो बार लगा लो, भाई ये चीज़ें उल्टे उल्टे काम करने से पहले है ना। कोई बंदा वीडियो बना देता है, वीडियो बनाने में कोई टाइम थोड़ी लगता है, मगर वो बंदा ना तो डॉक्टर होता है ना कोई हकीम होता है, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता के वीडियो बना रहा होता है, और उस चक्कर में बंदे के सारे बाल जाते रहते हैं। ये भगवान क्या जुलूम है। तो भाई ऐसा करने से पहले आप किसी डॉक्टर के पास मिलिए, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, किसी टेक के नॉलेज वाले बंदे की आप ये जानकारी वाली वीडियो देखिए, आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दोस्तों कभी भी आपके फ़ोन में अगर कोई दिक्कत आए ना, आप सर्विस सेंटर या दुकान पे जाने से पहले आप एक बार हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मेरे फ़ोन में ये दिक्कत आ रही है, मुझे कितना पैसा इसमें लगेगा और कितना हमें देना चाहिए, और फाइंड कैसे करना चाहिए कि एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला कैसा होता है, ये भी देखिए। पहचानने के मैंने आपको तरीके बता रखे, मेरी वीडियोज़ देखा करो, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे, ना तो आप लुट कर आओगे और ना फिर आपके पैसे ज़्यादा बर्बाद होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी। चैनल पर नए मेहमान है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सामने मेरी अदर वीडियोज़ आती रहेंगी। आप जैसे जैसे वीडियो देखते रहोगे आप तेज़ हो जाओगे, और मैं चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान के लोग इतना तेज़ कर दो कि कोई उन्हें लूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय भारत।